परदेशियों के लिए गुड न्यूज है जी। मैं मुकम्मल वीडियो दिखाने से पहले आपको ये बताऊंगा, भाई महंगे मोबाइल लाएं, गोल्ड लाएं, पॉकेटें भरकर लाएं। कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रबते में थे, बोल रहे थे 40,000 रियाल प्लस में रकम है तो मेरी फैमिली जा रही, भेज दो। ओ भाई 40,000 क्या, 80,000 भेज। हकीकत बात है, क्या एक गुड न्यूज है तमाम परदेशियों के लिए, वीडियो में देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम परदेशियों के लिए गुड न्यूज है जी, अच्छी खबर है। बजट 2023-2024 पाकिस्तान में आपको पता है आज लॉन्च कर दिया गया है, हम यही बोल सकते हैं। तो इसमें भाई ओवरसीज यानी कि हमाम परदेशियों के लिए क्या कुछ आया, क्या कुछ नहीं आया। पहली बात मोबाइल्स के मतलब आपको बताऊंगा मैं, अच्छा मैं अलहदा से वीडियो शेयर करूंगा मुझे मोबाइल्स का। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी खबर मुझे लगी, मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे मोबाइल्स के मतलब मैं आपको ना, या कुछ और आइटम वगैरह जो हम वहाँ से लाते हैं यानी कि महंगी, उनके मतलब तो वो एक अलग से वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। बहरहाल जी, आज के बजट में जो कुछ भी परदेशियों के लिए अच्छा हुआ वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। आपको पता है बजट 2023-2024 पाकिस्तान में आज उसका ऐलान कर दिया गया है मुकम्मल तफसील के साथ। अच्छा होता क्या है, कल मैंने एक वीडियो शेयर की जिसमें मैंने बोला था कि पाकिस्तानी भाई से पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर 1,00,000 रियाल प्लस में वो रकम लेके आया। 1,00,000 रियाल प्लस में वहां पर पुलिस वालों ने मिलजुल कर उसको भाई डरा धमका कर उससे 50,000 रियाल लूट लिए। मैं लूट लिए बोलूंगा, ठीक है जी। हाँ अगर वो भाई इलीगल तरीके से लाया है। इस वक्त एक चीज का और जिक्र कर दूं मैं यहाँ पर, सऊदी अरेबिया से अगर आप रियाल ला रहे हैं तो आपकी 60,000 लिमिट है। आपको पता है आपने कोई महंगी चीज रखी हुई ना अपने बैग में तो वो भी 60,000 में ऐड होगी, यानी कि 60,000 तक आप सऊदी अरेबिया से लेकर जा सकते हैं किसी भी कंट्री में। अच्छा पाकिस्तान में आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में 50,00,000 रुपए तक की लिमिट है, यानी कि बाहर से आप एयरपोर्ट के रास्ते कोई भी चीज लेके आते हैं तो उसकी 50,00,000 रुपए तक लिमिट है। अच्छा जी अगर 1,00,000 वो बंदा लेके आया तो जाहिर सी बात है वो तो 75,00,000 यानी कि 75,00,000 या प्लस में इससे बनेंगे। उसने उसका 20-25,00,000 वो जायद लेके आया तो इसका भाई कानूनी तो तरीकाकार यही था ना, कल वाली वीडियो के मतलब बता रहा हूँ, उसको भाई कटहरे में बुलाते और जो भी सजा या जुर्माना उसको होता है वो अलग से बात। हाँ अगर उसके पास बिजनेस वीजा होता तो फिर अलग बात थी, ठीक है जी। बहरहाल जी आज की जो खबर है उसके मतलब बात कर लेती है। पाकिस्तान आप सऊदी से या दुबई से या मस्कत, कुवैत, ओमान और इराक वगैरह एंड किसी भी बहरीनी दिनार वगैरह की सूरत में अगर आप पाकिस्तान में कोई करेंसी ला रखे हैं तो उस सूरत में आपको बताया कि हमें वहां के एयरपोर्ट के हिसाब से फॉलो करना होता है, उसके बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट के हिसाब से। जैसा कि भाई साहब 1,00,000 रियाल प्लस में कल वाली वीडियो में बताया कि वो उसको भाई पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला निकाल, वो गलत किया ना, उससे 50,000 रियाल जो ले लिए। बहरहाल में मुकदमा चल पड़ा है, वो इंशाल्लाह ताला उसका फैसला होगा। अच्छा बात यह है जी कि आप सऊदी से आ रहे हैं, आप अमेरिका से आ रहे हैं, आप किसी भी यूरोप कंट्री से या किसी भी गुल्फ कंट्री से आ रहे हैं, तो पहले होता क्या था, हम अपने साथ लिमिट के हिसाब से रकम ला सकते थे और पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर अगर हमारे पास लिमिट के हिसाब से रकम जायद है तो उस सूरत में हमें यहां पर जवाब देना होता था। अभी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जी। आप सऊदी अरेबिया से यानी 1,00,000 डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, रियाल की बात नहीं कर रहा मैं, अभी रियाल को आप कन्वर्ट करके देख लें 3,00,000 बन जाएगा, 3,50,000 बन जाएगा, ऐसे ही है ना। 1,00,000 डॉलर तक आप भाई पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं बेक वक्त एक टाइम एयरपोर्ट के जरिए, और कोई भी बंदा FIA या FBA या कोई भी आपको वहां पर और कोई रोकता है, कोई भी किसी किस्म का आपको आपसे सवालों जवाब पूछ पूछ वाला मामला नहीं होगा। यानी कि 1,00,000 रियाल यानी कि 3,00,000 आप सॉरी 1,00,000 डॉलर और 3,00,000 रियाल हम बोल सकते हैं। अगर हम 3,00,000 रियाल तक की रकम भी साथ में ला सकते हैं ना तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट की हमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। और साथ में ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने किधर से लिए, कैसे लिए, किधर से कमाए, कैसे कमाए, ये भी चीज़ है जी, इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो करेंसी है जी आप बाहर किसी भी कंट्री की वो पाकिस्तान में ला सकते हैं, 1,00,000 डॉलर के अराउंड में होनी चाहिए। हाँ वहां के जो एयरपोर्ट के कवानीन होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, जैसा कि सऊदी अरेबिया से आप 60,000 रियाल तक की रकम ले जा सकते हैं, इससे जायद नहीं। बहरहाल एक अच्छा ऑप्शन है परदेशियों के लिए है जी, आप महंगे मोबाइल लाएं या जो कुछ भी लाएं वो एक आपको अभी कोई किसी किस्म की यहाँ पर पूछ पूछ नहीं होगी। हाँ जो PTA अप्रूव्ड वाला मसला है ना वो मैं एक और वीडियो में बनाकर आपके साथ मुकम्मल तफसील से शेयर कर दूँगा।